ये पराटो हॉस्पिटल सर्कस के साथ यहाँ पे एक कैलकरन सर्कस होता है, और इन दोनों के दरमियान में जो जगह होती है उसे कहते हैं क्यूनियस, ठीक है। और क्या होता है, और ये जो पार्ट होता है ये प्री क्यूनियस का होता है, जो कि हमारे पराटो हॉस्पिटल सर्कस के आगे होता है। और जो अगर हम मीडियल सर्फेस देखें ब्रेन की, तो हमें इधर सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्पस कैलोजम नजर आता है। कॉर्पस कैलोजम हमारे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट कर रहा है, ये वाइट मैटर है। और कॉर्पस कैलोजम के बिल्कुल ऊपर जो सर्कस होता है उसे कैलोजल सर्कस कहते हैं, और कैलोजल सर्कस के ऊपर जो गायरस होता है उसे सिंगुलेट गायरस कहते हैं, और सिंगुलेट गायरस के ऊपर जो सर्कस होता है उसे सिंगुलेट सर्कस कहते हैं। और ये हमें वही फ्रंटल और पैराइटल और ऑसिपिटल लोब्स नजर आ रहे हैं मीडियल सर्फेस के ऊपर भी। उसके बाद हम अगर डायनसेफेलॉन की तरफ मूव कर जाएं, तो हमें यहाँ पे पिंक में सेप्टम पेलुसिडम नज़र आ रहा है, और ये जो हमें एग शेप नज़र आ रहा है ये थैलेमस है, और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है, और यहाँ पे दोनों थैलेमा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं इंटरथैलेमिक कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद ये हमारे जो कॉर्पस कैलोजम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये रोस्ट्रम है, ये जीनू है, ये उसकी बॉडी है, और ये पीछे स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोजम है। उसके बाद नीचे यहाँ पे इंडिया कॉमिशर और लेमिना टर्मिनलिस होता है, और ये जो पार्ट है अगर जब हम बेस ऑफ ब्रेन देखेंगे तो ये ऑप्टिक क्यास्म, यहाँ पे दोनों ऑप्टिक नर्व्स जो हमारी आईज से आ रही हैं वो क्रॉस ओवर करके ऑप्टिक ट्रैक्स बनाती हैं, वो हम बेस ऑफ ब्रेन में देखेंगे। उसके बाद हमारा जो हाइंड ब्रेन